गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखेंगे ई बी सी डी आई सी। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम कैसे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों इसे ई बी सी डी ई बी सी डी आई सी के नाम से ही जाना जाता है ना बच्चों। हम इसे समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स का डिफाइन कर देती हूँ कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है स्टूडेंट्स इनकोडिंग स्कीम्स। इनकोडिंग स्कीम्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, इंटरनल स्टोरेज क्या होता है ना, इनकोडिंग क्या होती है, स्कीम्स क्या होती है, कंप्यूटर डेटा को कैसे समझता है, हम अगर ए बी सी डी प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या लेगा। फिर हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कैसे स्टोर होती है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों समझ चुके थे। अब हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको समझाती हूँ ई बी सी डी आई सी। इसको भी समझने से पहले एक बार और प्रीवियस का रिकॉल कर ले कि हम जो चैप्टर नंबर 6 में इनकोडिंग स्कीम्स में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं बच्चों, जिसमें हमारा कंप्यूटर हमारे डेटा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स। तो वो कैसे कन्वर्ट करता है, क्या करता है, इसकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तीन मेन बेसिक स्कीम्स थी, बहुत सारी स्कीम्स हैं, ई बी सी डी थी, है ना, सी डी आई सी थी, बी सी डी थी, आस्की है, इसकी है, लास्ट ईयर में हमने बी सी डी देखी थी बच्चों। अब हम देख रहे हैं इसका सेकेंड टाइप जो है ई बी सी डी आई सी। अब हम देखते हैं इसमें ई बी सी डी आई सी होती क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम इसके साथ। सबसे पहले ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले उसके फुल फॉर्म्स के बारे में जान ले तो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट्स। नाउ इज क्लियर, चलिए। ई बी सी डी आई सी का फुल नेम, जो पूरा नाम होता है बच्चों, वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर बच्चों, वापिस पढ़ूंगी मैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ई फॉर एक्सटेंडेड, क्लियर बच्चों, बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोडेड, डी फॉर डेसिमल, आई फॉर इंटरचेंज, सी फॉर कोड। इसलिए इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम आगे देख ले कि क्या होता है ये। तो ई बी सी डी आई सी का पहले हम देखते हैं फुल नेम, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है बच्चों, जिसको हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड कहते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड फॉर 8-bit BCD कोड, और दूसरा होता है बच्चों एक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई बी सी डी आई सी, इट मीन्स 8-bit कोड। अब ये इसके टाइप्स देखने के लिए पहले हम देखें कि मैडम ने इसके डेफिनेशन तो बताई नहीं और टाइप्स बता दिए, तो बच्चों इसके डेफिनेशन के लिए इसके नाम से ही क्लियर है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड, मतलब BCD। जो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने जो BCD देखा था उसमें, चलिए बच्चों इसमें इसके नाम से ही क्लियर है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में BCD देखा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। वो क्या करता था, नंबर्स को चेंज करता था, मतलब कि आपने 0 से 9 तक के कोई नंबर लिए वो डेटा स्टोर कर लेता था, प्लस उसके साथ अगर आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए जैसे A to Z, है ना, जो अल्फ़ाबेट है A से लेके Z तक, वो भी क्या करता था, ये नंबर्स को कन्वर्ट कर देता था। क्लियर बच्चों, मतलब आप
अपन ने BCD में जो सबसे ओल्डेस्ट थी, जब स्टार्टिंगली कंप्यूटर ने समझना स्टार्ट किया था तो BCD को बच्चों बनाया गया था, तब उसने 0 से 9 तक के न्यूमेरिकल वर्ड समझे थे। उसके बाद उसने क्या करा था बच्चों, अल्फा न्यूमेरिकल मतलब A to Z समझा था। अब उसका हम एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं जिसको EBCDIC कहते हैं, मतलब इसका पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर बच्चों? तो इसमें हम अल्फ़ाबेट्स और उसके साथ हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मैं बात करूँ कि @ होता है ना, हैश का साइन होता है। क्लियर हुआ? इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों, वो EBCD क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यही इसकी डेफिनेशन है बच्चों। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशंस को बुक में से भी रिफ़र कर सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन थी, शॉर्ट थी, इसलिए मैंने इसको इस PPT में इंक्लूड नहीं किया है। क्लियर बच्चों? आप BCD वाली डेफिनेशन को भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों आप एक चीज़ जोड़ेंगे, वो क्या जोड़ेंगे आप, तो आप ये जोड़ेंगे कि ये अल्फ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकता है बच्चों, ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसे हम BEBCDIC कहते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम आगे और भी चीज़ें देखते हैं कि EBCD के, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि EBCD के 2 टाइप होते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और 8-bit BCD कोड, और दूसरा होता है हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ EBCDIC 8-bit कोड। अब पहला वाला जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में 1 by 1 पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये 2 तरह का होता है, 2 टाइप का होता है। पहले को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, है ना, मतलब ये तो BCD, एक होता है 8-bit BCD कोड और दूसरा भी 8-bit होता है, बट उसमें EBCD कोड क्लियर किया जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और 8-bit BCD कोड। अब हम बात करेंगे 8-bit BCD कोड की, जो थोड़ा सा क्या है, एडवांस है, किससे, BCD से। ठीक है बच्चों? चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चलिए देखें, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC इज अन 8-bit बाइनरी कोड फॉर न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स फुल स्टॉप। इट वॉज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय IBM। इट इज़ अ कोडिंग रिप्रेजेंटेशन इन विच सिम्बॉल्स लेटर्स एंड नंबर्स आर प्रेजेंटेड इन बाइनरी लैंग्वेज। इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम हिंदी में देखते हैं, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी के लिए देखें हम हिंदी मीडियम में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड EBCDIC संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिकल वर्णों के लिए एक 8-bit बाइनरी कोड है। यह IBM द्वारा विकसित और उपयोग किया गया था। यह एक कोडिंग प्रतिनिधित्व है जिसमें प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं को देवदारी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इट मीन्स, अब हम इसे समझते हैं बच्चों कि एक्चुअल में ये है क्या। तो जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCD जो होता है, वो 8-bit का बाइनरी कोड होता है, जो क्या करता था, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स को चेंज करता था। मतलब जो पुराना BCD था बच्चों, वो सिर्फ 2 चीज़ करता था, नंबर्स को चेंज करेगा और अल्फ़ाबेट को चेंज करेगा। पर एक्सटेंडेड जो कोड है EBCD है, उसको IBM ने बनाया था, है ना, इट्स डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय IBM। सबसे पहले इसे IBM ने ही डेवलप किया था और इसे IBM ने ही यूज़ किया था। इस अ कोडिंग रिप्रेजेंटेशन इन विच सिम्बॉल, इसमें जो भी कोड होते हैं उसमें उसने सिम्बॉल्स, लेटर
और नंबर्स को बाइनरी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना बताया था। इट मींस पहले में हम सिर्फ नंबर और अल्फ़ाबेट करते थे बच्चों, बट अब हम नंबर अल्फ़ाबेट के साथ कोई सिंबल से, है ना, और कोई लेटर से, कोई नंबर से, जिसे एट द रेट है, हैश है, जैसे मैंने प्रीवियसली आई टोल्ड यू, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज में कन्वर्ट की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसी को हम, आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी इजीली। इसमें एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुरानी चीज़ में नंबर और अल्फ़ाबेट होते थे, बट नई चीज़ में क्या होते हैं, सिंबल्स। चलिए इसी चीज़ को अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों, है ना, कि हमने, बच्चों मैंने बुक का ही एग्जांपल लिया है, वहाँ लिखा है सोनू, उसको रिप्रेजेंट करना है ई बी सी डी आई सी में। अब इसमें भी जैसे प्रीवियसली मैं बोलूँगी कि वहाँ आप जब भी इस वीडियो को पढ़ें बच्चों, आप अपने साथ टेबल ले, सॉरी बुक के साथ बैठें। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल है वो सारा आपको बुक में मिलेगा। बुक में आपको बहुत लॉन्ग और बहुत लंबी टेबल्स बनी हुई है बच्चों, उन टेबल्स को आपको क्या करना है, यूज़ करना है। क्यों? वो सारी जो टेबल्स है उसको मैं स्क्रीन पर एज अ डिस्प्ले नहीं कर सकती हूँ, है ना, इसलिए आपको बुक के साथ बैठना पड़ेगा। जैसे जहाँ भी आपका ई बी सी डी टॉपिक स्टार्ट हो, 8 बिट इंस्ट्रक्शन वाला, वहाँ पे आप बैठे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोनू, तो एस ओ एन यू, मैंने तीनों चीज़ें, चारों चीज़ लिख ली, एस ओ एन यू, ठीक है बच्चों। आप इसमें, आप बुक में देखें कि जैसे एस के आगे क्या लिखा है, 111 0010, तो एर इट इज़, आप एस के सामने वो लिख लें। उसके बाद ओ के सामने क्या लिखा है, 110 0010, वो आप लिख लें। वैसे एन के सामने क्या लिखा है, 110 0101, वैसे ही यू के साथ क्या लिखा हुआ है, 111 0100। क्लियर हुआ बच्चों? जैसे ही बुक आप खोलेंगे ई बी सी डी में, जहाँ स्पेशल अल्फा न्यूमेरिकल्स वाली टेबल दी हुई है, उस टेबल में आप एस लिखेंगे। जैसे आपने एस लिखा, उसके सामने वाली सीरीज में आप देखेंगे तो आपको एस के आगे भी कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे, वैसे ही ओ के सामने दिखेंगे, एन के सामने दिखेंगे और यू के सामने भी बच्चों आपको वैसी ही चीज़ लिखी हुई दिखेगी। अब इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है बच्चों, कंबाइन करके लिखना है। अब कंबाइन करके आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए 111 0010, एस वाली चीज़ ली, आप ओ वाली लेंगे तो 111 0001। क्लियर हुआ? अब ये वाली लेंगे तो 110 111, उसके बाद लास्ट में ये 111 वाली लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एस ओ एन यू की टेबल में से उसके नंबर्स डिजिट देख रहे हैं और उस डिजिट को हम एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये हमारा होता है 8-bit BCD। आप देखें तो इसमें हर बिट्स के आगे बच्चों अपन ने 8 बिट्स के 0101 ले रखे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है, फिर 3 0 है और फिर ये 2, मतलब 3+3+2, 3 3 और 3 6+2 कितना हुआ, 8। ये जो है आपका, ये क्या है बच्चों, 8-bit BCD कोड। मतलब जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आप सिस्टम में दे रहे हैं, सिस्टम उसे क्या कर रहा है, 8-bit कन्वर्जन करके दे रहा है। हमारा सिस्टम तो ये सारी चीज़ें समझ रहा है बच्चों, बट अब हमें भी इसे समझना है ना, हमें देखना है, क्योंकि वी आर अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारी चीज़ें कैसे कैसे मैनेज हो रही है, हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं वो कैसे समझता है, व्हाट इज़ द लॉजिक, इन सब के बीच में लॉजिक क्या है। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सो कि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल मैंने सोनू ई बी सी डी आई सी का दिया है, ये क्लियर आपको पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, हो गया होगा। अब हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई बी सी डी आई सी 8-bit कोड, पहले जो था
वो 8-bit कोड था, BCD वाला था जो प्रीवियस देखा था, अब हेक्साडेसिमल वाला है। इसकी हम पहले एक डेफिनेशंस को क्या करते हैं बच्चों की डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। इन EBCDIC ईच सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 8-bit सो दैट इक्विवेलेंट 8-bit शॉर्टकट इज शो बाय हेक्सा डिजिट्स बिकॉज ऑन हेक्स डिजिट रिक्वायर्स 4 bits। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें स्टूडेंट्स, फॉर हिंदी मीडियम के लिए EBCDIC में प्रत्येक प्रतीक को 8-bit द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए समतुल्य 8-bit शॉर्टकट को हेक्स अंकों द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि एक हेक्स अंक को कुछ बिट की आवश्यकता होती है। इट मीन्स स्टूडेंट कि जो हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ EBCD वो है, वो EBCD जो है वो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करनाता है जो 8-bit का होता है। इसमें शॉर्टकट होता है हेक्स, हेक्स का मतलब स्टूडेंट हेक्साडेसिमल, जिसको हम 16 लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हेक्स का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, जिसे हम 16 लिखते हैं, और यहाँ शॉर्टकट वर्ड का यूज़ किया गया है, शॉर्टकट का मतलब होता है 8-bit, हमने उसे 8-bit शॉर्ट में क्या करा है, यूज़ किया हुआ है, जिसे हम 4 bits में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है EBCDIC का। क्लियर बच्चों, ठीक है, इसी में को हम एक एग्जांपल में समझेंगे। जैसे मैंने लिखा सोनू, फिर मैंने लिखा इक्विवेलेंट, जैसे मैंने लिखा इक्विवेलेंट है ना, तो SONU, जैसे इसमें लिखा SONU तो S का 1110, 0010, O का 010 है ना, इस तरीके से इसको मैंने 4 bits में अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया है बच्चों। उसके बाद इसको मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया, इसे मैंने पूरी तरीके से बच्चों कंबाइन करके लिख दिया। इसे हम EBCD हेक्सा 4-decimal कहते हैं, जिसको 4 bits में कन्वर्ट करके 8-bit में पूरी तरीके से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी हमने क्या करा, EBCDIC की थ्योरी देखी थी, और उसके जो 2 types होते हैं बच्चों, उन दोनों टाइप्स को देखा था एक न्यूमेरिकल्स के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक न्यूमेरिकल्स और देखें, जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाए है ना, कि हम EBCD के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कंप्यूटर, हम जो भी कंप्यूटर में देते हैं कीबोर्ड की मदद से, वो डेटा कैसे हम ट्रांसफ़र, कंप्यूटर हमारा डेटा 0101 के फॉर्म में कैसे समझ सकता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी स्टूडेंट्स, कि आप अपने पास बुक्स ज़रूर रखें, जो आपकी नितिन के नायक की टेक्स्ट बुक है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, इन सब चीज़ों की वैल्यू जो है वो आपको बुक में ही मिलेगी। क्योंकि मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी टेबल्स को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूं या फिर उनके नाम्स लिखूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप बुक का यूज़ कीजिए, बुक में सारी चीज़ें दी हुई है, मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताऊँगी, आप उस तरीके से वहाँ पर जाके यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को। तो हम सबसे पहला जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है अनु ANU और आगे लिखा है EBCDIC, जो कि टॉपिक का नाम हम पढ़ रहे हैं। पहले जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी बच्चों, तो थ्योरी के साथ मैंने आपको सोनू नाम से एग्जांपल दिया था है ना, SONU। अब मैं यहाँ पे आपको अनु नाम से एग्जांपल दे रही हूँ है ना, ANU, उसको EBCDIC में कैसे चेंज करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा ANU, तो मैंने लिखा AN, और बच्चों मैंने यहाँ लिखा A
एन और यहाँ पे क्या लिखा यू, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी नाम हो बच्चों, जैसे आपका कोई नाम, सपोज किसी का नाम सुनीता हो, तो आप इसके इधर लिख देंगे एस यू एन आई टी, क्लियर हुआ बच्चों। या फिर आपका नाम इसमें और कोई सा हो, सपोज कोई नाम हम कविता ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए के ए वी आई टी ए, क्लियर। कोई भी नाम हो, है ना, जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्यों बच्चों? क्योंकि कंप्यूटर को आपको पता नहीं है कि आप कंप्यूटर में, जैसे कि जो नाम था वो क्या था बच्चों, कविता, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि कंप्यूटर में ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही नाम लिख रहे हैं हमेशा बार बार, हमें तो किसी भी नाम की स्पेलिंग लिखनी पड़ती है ना, वो कविता हो या हम एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल हो, कोई भी वर्ड होता है, लेकिन सारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स के होते हैं, तो अल्फ़ाबेट में आप कोई भी वर्ड क्या कर सकते हो बच्चों की, लिख सकते हो, क्लियर बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं अनु, तो एक स्पेलिंग लिखी मैंने ए एन और यू, ठीक है। अब आप आपकी बुक खोलिए और बुक में जहाँ पे लिखा है ई बी सी डी आई सी, वो टॉपिक में जो कि 6th चैप्टर में है, उसमें देखिए एक बहुत बड़ी टेबल्स बनी हुई है बच्चों, क्लियर। उसमें बहुत सारी टेबल है, लेकिन आपको कौन सी टेबल खोलनी है जिसमें टॉपिक लिखा है ई बी सी डी आई सी, वो जैसे ही आप टेबल खोलेंगे उस टेबल में पूरी टेबल लिखी होगी, उसमें पहले 0 से लेके 9 तक के नंबर लिखे होंगे बच्चों, क्लियर हुआ। कितने नंबर लिखे होंगे? 0 से लेकर 9 तक के। उसके बाद वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखी होगी ए से लेके जेड। उस टेबल में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, जैसे एट द रेट है, हैश है, स्लैश है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों उसमें होगी। बट आपको क्या लेना है? टेबल्स में अल्फ़ाबेट। जैसे आप वहाँ पर देखेंगे ए, तो ए के आगे आपको एक नंबर्स लिखा होगा, जो नंबर्स ये होंगे जो मैंने नीचे लिखा रहेगा, जैसे 1 1 0 0, कितनी टाइम 0 है, 2 2 4 5, मतलब पेंटा 0 है ना, इस तरीके से 5 टाइम 0 लिखा होगा और लिखा होगा 1, क्लियर हुआ बच्चों। किसके सामने? ए लिखा होगा और ए के बाद कितना होगा, पेंटा 1 1 1 फिर पेंटा 0 और फिर 1। बस आपको क्या करना है उसके आगे की, अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसी के आगे की वैल्यूज़ को लिखना है। जैसे ए लिखा है उसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो, उसी तरह बच्चों आपको क्या करना है, बी लिखना है, क्लियर हुआ। सॉरी एन लिखना है, क्योंकि हम अनु नाम कर रहे हैं, एन लिखना है। एन के सामने जो भी लिखा हो, मतलब कि जो भी नंबर्स लिखे हों, वो सारे नंबर्स आपको यहाँ लिख देना है। उसी के बाद आगे देखेंगे, क्योंकि पूरी ए बी सी डी होती है ए से लेके ए टू जेड तक बच्चों, ठीक है। तो उसी में आगे दिया होगा आपको एक अल्फ़ाबेट यू, ठीक है बच्चों, है ना। उस यू के आगे जो डिजिट लिखी है, जैसे ये डिजिट लिखी है 1111001, ये सीरीज़ को आप वहाँ से क्या कर लेंगे, ले लेंगे। सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही होता है ना, कि आप पहले एग्जांपल लिखे, अनु लिखे, है ना, उसके मतलब जो भी आपको नाम को चेंज करना हो, उसके बाद उसका किस फॉर्म में चेंज करना हो, जैसे हम बी सी डी पढ़ चुके हैं तो बी सी डी के फॉर्म में चेंज करना है, या ई बी सी डी आई सी के फॉर्म में चेंज करना है, वो लिखे। सॉल्यूशन में जो भी नाम हो उस नाम को आप थोड़ी सी अलग अलग स्पेस पे लिख ले बच्चों, है ना। लिखने के बाद आप अपनी की जो भी आपकी बुक है उस बुक में से बच्चों आप क्या करेंगे, उनके नाम लिखते जाएंगे, मतलब जो भी नाम है, जो भी अल्फ़ाबेट है उनके नंबर, और वो सारे नंबर्स को आप एक साथ लिख लेंगे। जैसे आप देखिए 1 का ए का मैंने लिखा, फिर मैंने काय का लिखा, एन का लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा, यू का। तो ये जो है बच्चों, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो ये मैंने अनु नाम का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया, क्लियर हुआ। अब हम एक और नया एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी तो हमने सिर्फ क्या करा, नाम को 0101 में कन्वर्ट किया। अब किसी नाम को 0101 में कन्वर्ट करने के बाद वापस अल्फ़ाबेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब आप
यहाँ हमने नेक्स्ट स्लाइड ली बच्चों, इसमें लिखा है एग्जाम्पल अनु, है ना, इक्विवेलेंट हेक्सा फॉर EBCDIC, मतलब EBCID से में करेंगे। जो नाम मैंने पहले वहाँ लिया था अनु प्रीवियस एग्जाम्पल में, वही बच्चों वही नाम मैंने क्या करा है। तो देखिए बच्चों, इस स्लाइड में मैंने ए लिया, फिर एन लिया और यू लिया। इसको पहले मैंने 0101 वाले फॉर्म में लिखा, जो कि बुक की हेल्प से। क्यों? क्योंकि बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो बुक से लिया। तो उसको बुक में आपको 4-4 बिट्स के उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं। क्लियर हुआ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1100000010, है ना। इस तरीके से जो भी आपकी 8 बिट थी उसको मैंने 4-4 बिट्स में तोड़ दिया। ए के लिए तोड़ा, एन के लिए तोड़ा और यू के लिए तोड़ा, इट मीन्स डिवाइड किया। फिर डिवाइड के आगे ए के सामने लिखा था CA, तो मैंने वहाँ से लिख लिया। उसके बाद एन के सामने लिखा था DC, वो मैंने लिख लिया। फिर यू के सामने लिखा था E4, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको कंबाइन कर दिया, इट मीन CA DC और E4, ये जो है आपका BCD कन्वर्जन है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये दो एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं और जो BBCD हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो क्लियर हुआ होगा। अब इसको आप, इसकी मदद से आप चाहें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, और अगर ये लेक्चर या इसमें न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप डाउट क्लासेस में, है ना, स्कूल में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर रेगुलर स्कूल लगते हैं तो हम इस लेक्चर को बच्चों वापस से रिवाइज करेंगे, बट तब तक के लिए आप इसकी थ्योरी और इसके जो न्यूमेरिकल्स है जो मैंने आपको समझाए हैं वो नोट डाउन करके आप रखिएगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा बच्चों, ASCII होगा, है ना। बट आप अभी BCD और EBCDIC को अच्छे से समझ के रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।